भाई साहब कितनी थैली भर दी इसमें? डाल दी थैली 80। 80 थैली डाल दी है। और एक थैली कितने किलो की है? 16 किलो। एक थैली 16 किलो की है। 1280 केजी वजन बता रहे हैं ये। और आप देख सकते हैं, अभी हम लाइट में आपको दिखाऊंगा गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहता, हम चेक करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। अभी सुबह का समय 4 बज चुके हैं और हम लोग भर के लाए हैं गाड़ी में नींबू डीसा से। नींबू कितने भरे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। 80 पैकेट नींबू भरे है। एक पैकेट में जो वेट है, जो बैग है नींबू का, उसमें 16 किलो। तो 80 × 16 आप कर लो, 1200 कुछ किलो वेट बनता है वो गाड़ी में भरा है। और उसके बाद क्या रहता मेरी गाड़ी का परफॉर्मेंस भी है आपको बताऊंगा क्या मेरी गाड़ी। और आपको मैं दिखा देता हूँ पीछे जो पाउच भरे हुए है, आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी एंड से लेके यहाँ तक मैं आपको पाउच दिखा रहा हूँ। और मेरी गाड़ी में क्या क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्या स्पीड में मैं आऊंगा और ये भी बताऊंगा। और क्या कुछ रहता है, क्या क्या दिक्कत आती, क्या गाड़ी पिकअप मानती है या आराम से चलती है कि नहीं, तो ये देखते हैं। अभी गाड़ी में नींबू भरे हुए है और करते हम स्टार्ट। मैंने नींबू भर के रात को मैं घर पे आ गया था, तो उसके बाद मैं अब कहें वापिस जा रहा हूँ मंडी जहाँ पे मेरे को ये नींबू उतारने वहाँ पे। तो अभी चेक करते हैं, गाड़ी कर चुके अपन चालू और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहता है। सुबह का समय आप देख सकते हैं, गाड़ी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आराम से उठ रही है, पिकअप मान रही है आराम से। बस थोड़ा सा इसमें ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है नींबू की वजह से, जो वेट है उसकी वजह से, तो आप देख सकते हैं। बाकी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को तो। और आगे देखते रहिए, आपको मैं बताता हूँ क्या कुछ होता है आज। तो अभी ये जो आई है कट की नाली आई है, इस पे देखिए बस वेट की वजह से जो गाड़ी मेरी हिल रही है वही दिक्कत आ रही है, बाकी मुझे नहीं लग रहा कुछ फर्क पड़ा है अभी तक तो। अभी हम 5 से 7 किलोमीटर आए, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे को फ़र्क लगा इतना वेट भरने के बाद में, वो मुझे लगा गाड़ी को स्पीड के साथ में काटने में। जैसे ही कोई टर्न वगैरह आ रहा वहाँ पे गाड़ी जो कटती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही, क्योंकि गाड़ी घूमने में दिक्कत कर रही है, वो भी वेट की वजह से, क्योंकि आगे से थोड़ी गाड़ी उठ गई और पीछे वेट की वजह से गाड़ी गई है डाउन इस वजह से। और बाकी तो ज़्यादा कुछ फ़र्क आया नहीं है। एक बार मैं क्या करता हूँ, एसी भी चालू करके देख लेता हूँ क्या एसी में क्या पता चलता है कि एसी की वजह से जो वेट वगैरह है उसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं अभी गाड़ी को रोकता हूँ, एक बार एसी चालू करता हूँ, उसके बाद वापस गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या रहता है। तो ये मैंने एसी चालू कर दी है, अभी मैं करता हूँ। थोड़ा सा फर्क पड़ा है, थोड़ी सी जो एक्सेलरेट करके गाड़ी को उठाना पड़ रहा है, बाकी देख सकते हैं आप। अच्छी रोड है, आप ट्राई कर सकते हैं, आराम से चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एसी में भी इस वेट में गाड़ी चल नहीं रही है, एसी में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। मतलब जो पेट्रोल की गाड़ी है वो पूरा पावर रख रही है, ऐसा दिक्कत नहीं है इस गाड़ी को आपको चलाने में कोई दिक्कत आ रही है। मतलब आप 1200 किलो वेट और 2% हम गाड़ी में हैं, तो दोनों में आप मान के चलो 80-80 किलो वेट है, तो 80 और 80 160 और 1200 समथिंग, वो मतलब 1400 किलो वेट मान के चलो आप गाड़ी में इस टाइम लोड किया हुआ है। 1.5 टन वजन जो है इसमें, उसमें गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। तो आप लोडिंग पर्पज से भी देख सकते हैं इको कितना शानदार परफॉर्मेंस देती है।
और क्या इको का रहेगा एवरेज, ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी क्या मेरा गाड़ी में कितना एवरेज आता निकलता है। जब से मैंने लोड भरा था तब से रीडिंग मैंने नोट कर रखी है, और मेरे जो पॉइंट थे पेट्रोल के वो भी मैंने नोट कर रखे है, तो उसकी वजह से क्या परफॉर्मेंस रहता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं भाई साथ में था, और यहाँ तक नींबू भरे हुए है, इसमें यस्सी बैग भरे हुए है, 45 बैग भर रखे हमने पीछे, और 35 बैग भर रखे हमने बीच में, और टायर पे वेट देख सकते आप। और भाई बढ़िया मजे आ गए आओ। भाई को मजे आ चुके हैं नींबू भरवा के। तो गाइस फाइनली हम गाड़ी खाली करके घर पे आ चुके हैं, और सारे बैग जो उतारने थे उतार दिए, लगभग 1.5 टन वजन भर के हमने इको का परफॉर्मेंस चेक किया, और कभी मौका मिलेगा तो हम 1.5 टन या इससे ज्यादा या इससे कम भर के क्या एवरेज रहता है एसी में विदाउट एसी ये भी चेक करेंगे। आपने कभी इको गाड़ी में वजन भरा है इससे भी ज्यादा या इससे कम, क्या परफॉर्मेंस रहा आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर दो।